तो देखिए बायोलॉजी की हमारी आज सेकंड क्लास है, ठीक है। इससे पहले हमने क्लास में बताया था आपके लिए कंकाल तंत्र, कंकाल तंत्र में कितने प्रकार की हड्डियां होती हैं, और हड्डियों से रिलेटेड हमने 10 क्वेश्चन भी कराए थे उसमें साथ में। लेकिन अब जो दूसरा चैप्टर बनता है उसका, वो है पाचन तंत्र, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम का मतलब यह है कि आप जितनी भी चीजें खाते हैं या फिर जो भोज्य पदार्थ खाते हैं उन्हें छोटे छोटे अणुओं में तोड़कर उनका पाचन करना, उसके लिए कुछ ऑर्गन्स होते हैं जो कि हमारी बॉडी के काम करते हैं। जैसे पहला अगर पॉइंट की बात करेंगे तो पहला होता है मुंह, जैसे माउथ। माउथ में आपके अगर एक पूरे पोर्शन की बात की जाए तो उसमें एक चेहरा पूरा, और दूसरी बात मुंह में जो होता है मेन, जिसे हम बोलते हैं मुख गुहिका। इस मुख गुहिका के अंदर एक जीभ जो कि ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसके बाद में दांत। हम पढ़ते हैं जीभ की संरचना किस प्रकार की है और जीभ का कौन सा भाग किस प्रकार से स्वाद कराता है, जैसे मीठा हो गया, खट्टा हो गया, कड़वा हो गया, तो कौन सा भाग किस तरह का स्वाद का पता लगाता है, ठीक है। उसमें दांत होते हैं, दांतों की संख्या कितनी होती है, ठीक है। तो जैसे दांतों की संख्या अगर वयस्क में की जाए तो 32 दांत होते हैं। इसी प्रकार जो है दांतों के सूत्र, ठीक है, इसमें पूछा जाता है एडल्ट टीथ फॉर्मूला। इस प्रकार से कुछ क्वेश्चन बनते हैं। दूसरी बात अगर हम पहले करें जीभ की, जीभ में कुछ प्रकार की जो है भाग होते हैं, जैसे कि मैं आपको एक डायग्राम बना के दिखाता हूं। तो देखिए जीभ के जो भाग होते हैं, जो सबसे पिछला भाग होता है वो बिटर मतलब तीखा या कड़वे का स्वाद देता है। दूसरी बात, जो साइड वाले जो कॉर्नर वाले जो होते हैं वो सौर मतलब खट्टे का स्वाद देता है। दूसरी बात, उसका जो पिछला वाला भाग या जो मध्य वाला भाग जो होता है, पिछले के बाद में जो मध्य वाला भाग जो आता है उसमें नमकीन का स्वाद होता है। जैसे जो भी खाते हैं नमकीन चीजें, जैसे सब्जी हो गई, सब्जी में नमक का जो स्वाद है वो यहीं से पता लगता है। दूसरे आगे की ओर जितना ही मीठे पकवान होते हैं या फिर जो मिठाई वगैरह जो होती है उसका स्वाद यहाँ से प्राप्त होता है। दूसरी बात, इसमें जो है लार ग्रंथियां और स्वाद ग्रंथियां होती हैं, कम से कम 600 से अधिक, और समथिंग 600 तो होती ही होती हैं, ठीक है। लार में जो 98% पानी और 2% एंजाइम होते हैं, और उन एंजाइम में जो प्रमुख है वो है टाइलिन, माल्टोज और लाइसोजाइम, ठीक है। उसके बाद में जो तीन जोड़ी लार ग्रंथियां जो प्रमुख है, जैसे पैरेटिक लार ग्रंथि, सब मैंडिबुलर लार ग्रंथि और सबलिंगुअल लार ग्रंथि। सबसे बड़ी बात इसमें पूछा जाता है, बोले सबसे बड़ी लार ग्रंथि कौन सी है और सबसे छोटी लार ग्रंथि कौन सी है। तो सबसे बड़ी है आपकी पैरेटिक लार ग्रंथि और सबसे छोटी है सबलिंगुअल लार ग्रंथि। दूसरी बात, जो पीएच मान का पूछा जाता है कि लार का पीएच मान कितना है, वो अधिकतर 6.8 होता है और 6 से 7 के बीच में, ठीक है। तो देखिए इससे पहले जब मुंह की बात करी थी हमने पाचन तंत्र में, ठीक है, तो सबसे वाला जो पहला वाला जो पोर्शन कराया था मैंने आपको, वो कराया था आपको जीभ। जीभ के जितने ही भाग थे वो सब मैंने आपको करा दिए थे, और जो जो इम्पोर्टेंट या फिर जो जो महत्वपूर्ण जो आपके भाग होते थे या फिर जो लाल ग्रंथियां थी जो पूछी आती है अधिकतर एग्जाम में, वो मैंने आपको करा दी थी। और अब जो बारी आती है वो आती है टीथ, क्योंकि मुंह में दो ही चीज होती है। लार में जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट थी उसमें जो उसके एंजाइम्स होते हैं टाइलिन एंजाइम्स, ठीक है, और लाइपेज था एक, तो जो कि भोजन को अच्छे से मिलाता है, मिलाने के बाद भोजन को चिकना बनाता है, और उसे हम बोलते हैं मंड, या फिर हम क्या बोलते हैं उसे मंड, ताकि जो लार में जो अच्छी तरीके से मिलने के बाद भोजन चिकना हो जाता है, ताकि वो गैस नली के द्वारा आराम से स्टोमस तक जा सके, ठीक है। लेकिन दांत के बारे में हम पढ़ेंगे, तो दांतों का अध्ययन सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है ये आपका,
इस पर मैं इस तरीके से मार्क कर देता हूँ, ठीक है। वैसे बोलते हैं एडेंटोलॉजी, ठीक है। और मिल्क टीथ फॉर्मूला मतलब दंत सूत्र है ये, मिल्क टीथ मतलब बच्चों के जो दंत सूत्र का फॉर्मूला है, ठीक है। 2102/2102 इसका मतलब 2 से 7 वर्ष के बच्चों में ये चीज होती है, ठीक है। बात करते हैं जो ये फॉर्मूला है वो किस प्रकार से बनाया गया है, ठीक है। और याद रखने का तरीका है कि हाँ भाई कौन से दांत कितने होती है, संख्या कितनी होती है उसके, ठीक है। यह है कृंतक आपका, कृंतक से बोलते हैं इंसीजर, ठीक है। और इसके होते हैं 8 दांत होते हैं। काटना और पकड़ने का काम इनका होता है, भोजन को काटना या पकड़ना, या जो भोज्य पदार्थ होते हैं उन्हें, ठीक है। दूसरी बात, ऐसे संख्या है 8 है तो इसमें इस प्रकार होंगे, जैसे 2 ये हैं, ठीक है, और 2 इधर की ओर होंगे, ऊपर भी इस प्रकार 2 इधर और 2 इधर, ठीक है। संख्या मिला के बनती है टोटल 8, ठीक है। रदनक इसे कैनाइन बोलते हैं, ठीक है। अधिकतर जो शेर के मुंह में जो दांत होते हैं वो रदनक होते हैं, ताकि वो हड्डियों को अच्छे से चबा सके, ठीक है, कैनाइन जिन्हें बोलते हैं। और यहाँ पे जो मनुष्य के जो संख्या होती है वो होती है 4, उनमें हो जाता है चीरना और फाड़ने का काम होता है उनका, ठीक है। अच्छे से चीरना फाड़ना, जैसे जो खाल वगैरह होती है, जो स्किन होती है दूसरे जानवरों की, वो बहुत ज्यादा सख्त होती है, उन्हें चीरने फाड़ने का काम रदनक के द्वारा किया जाता है, ठीक है। अग्र चवर्णक जिन्हें प्रीमोलर के नाम से जाना जाता है, ठीक है, प्रीमोलर के काम करते हैं आपके, उनका काम होता है टुकड़े करना, भोज्य पदार्थ जो होते हैं उनके टुकड़े करना अच्छे से, ठीक है। और इनकी संख्या भी कितनी होती है, 8 होती है। अब क्या है, टुकड़े का इस प्रकार से शेप होती है उसमें, अब हमारे ये बीच में आ चुके हैं दांत, ठीक है, 2 सामने के इस तरीके से, ठीक है। अब क्या है, इसमें इधर भी संख्या कितनी होगी, 2 इधर हो गई, 2 इधर हो गई, 2 इधर और 2 इधर, ठीक है। तो टोटल संख्या इसमें भी 8 बनती है, ठीक है। चवर्णक जिन्हें मोलर बोलते हैं, 12 पीसना काम होता है इनका, ठीक है। तो 3 और 3+3 इधर संख्या आ जाएगी, 3 इधर, तो 6 और 6 ऊपर होंगे, तो टोटल हो गए 12, ठीक है। अब ये पूछा जाता है, एक सबसे बढ़िया क्वेश्चन है कि बोले बताइए जो अक्कल दाढ़ होती है वो किस स्थान पर आती है। तो अक्कल दाढ़ जो है वो 17 से 24 वर्ष की आयु में जो है आपकी जो तीसरे चवर्णक के रूप में उस स्थान पर आती है, ठीक है, जहां पर तीसरा चवर्णक होता है, ठीक है। उसके बाद में बच्चों में जो संख्या होती है वो 20 होती है, किशोर में 28 और वयस्क में होती है 32, ठीक है। सबसे ज्यादा जो दांतों की संख्या होती है वो एक स्पाइन डॉल्फिन करके एक मछली होती है, उसमें संख्या होती है सबसे ज्यादा, इसमें से 250 से लेकर 260 या फिर 250 से लेकर 260 उनकी संख्या होती है दांतों की, ठीक है। मगरमच्छ में जो है 60 से लेकर 72 दांत होते हैं, ठीक है, उसमें भी काफी संख्या होती है। ये आपको बताने का तरीका देखिए, अगर जैसे अगर पहले की बात करें तो ये जो संख्या दे रखी है आपके, ये जो होते हैं वो कृंतक होते हैं, जो ये वाले जो हैं सेकंड वाले ये आपके रदनक होते हैं। दूसरी बात, इसमें जो प्रीमोलर होते हैं उनकी संख्या 0 होती है, क्योंकि ये बच्चों की बात की गई है, तो ठीक है। और 2 से 7 वर्ष के बच्चों में अधिकतर होते हैं, ठीक है। और लास्ट में जो बचते हैं आपके वो मोलर हैं, जिन्हें बोलते हैं हम चवर्णक, ठीक है, तो 2 से 7 वर्ष के बच्चों के बीच में, ठीक है। दूसरी बात, एडल्ट ये इसका मतलब है वयस्क दंत सूत्र या दंत सूत्र, जैसा बोलते हैं 21/23/21/23×2, इसमें भी क्या है, ये जो पहली जो संख्या बनेगी या फिर जो पहले ये जो नंबर दे रखे हैं इन्हें बोलते हैं कृंतक, दूसरे जो होते हैं आपके इन्हें बोलते हैं आपके रदनक, और ये जो हैं क्योंकि इनमें संख्या होती है, ये वयस्क मनुष्य हैं, तो इनमें क्या होगी, प्रीमोलर की संख्या होगी। और प्रीमोलर की संख्या मैंने आपको बताई है पहले भी कितनी है, 8, ठीक है, तो 2 और 2 4 और 4 2 8 इस तरीके से। और ऐसे ही ये लास्ट वाला, ये सब बोलते हैं आपके मोलर, और मोलर में क्या है, 3 और 3 6 और 6×2 से करोगे तो संख्या बनी 12। इस प्रकार से हम दांतों की संख्या को आराम से निकाल सकते हैं इस फॉर्मूले की मदद से, ठीक है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये सब कुछ, आप चाहो तो जो है इसे कहीं ना कहीं स्क्रीनशॉट लेके रख लो, ताकि आपके पेपर में कुछ ना कुछ आए तो आप पढ़ के आसानी से बता सको।